पे। अभी हमारे यहाँ 10 फरवरी 2020 में हमारे MBBS 19 बैच के MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने नाटकीय ढंग से लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की कि एपिलेप्सी यानी दौरा या मिर्गी क्या होता है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उसे आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि उसके दौरे के कितने टाइप्स हैं और किस किस तरह से लोग सोचते हैं। आप बहुत पसंद करेंगे। अरे क्या हुआ? अब
अगली तरह की मिर्गी वो होती है जिसमें इंसान किसी तरीके से हिलता नहीं है बल्कि कुछ अजीब अजीब सा महसूस करेगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी लगने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हैं या आवाज़ें अजीब अजीब सी सुनाई देने लगेंगी। ये अब्सोर्बेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे, वो आज की आखिरी प्रकार की मिर्गी होगी। इस प्रकार की मिर्गी में दौरा बहुत कम समय के लिए आता है, या तो सिर्फ आपका हाथ हिलेगा या फिर पैर, वो भी एक बार। ये छोटे बच्चों में बड़ी आम होती है और छोटे बच्चों में उनकी आंखों की पुतलियां जैसे एक सेकंड के लिए ऊपर हो जाती है तो नीचे आ जाती है। लोग इसे मिर्गी नहीं समझते हैं, बट आप ऐसी गलती मत करिएगा और इसका जल्द से जल्द अच्छे अस्पताल में इलाज कराइएगा। ये नाटक डॉक्टर नवेद के सुपरविजन में हुआ था, तो मैं इन बच्चों का और डॉक्टर नवेद का थैंक्स बोलना चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखें और इस बातों का ख्याल रखें, और मिर्गी यानी दौरे की बीमारी से कुछ और परेशानियाँ कुछ है तो आप हमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और जब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें, दूसरे को खुश रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें।